हाय दोस्तों, बीपी क्लाउड लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। पाइथन के चौथे वीडियो में आज हम देखेंगे कि पाइथन डेवलपमेंट कैसे हम अजूर डेटा ब्रिक्स नोटबुक के साथ करेंगे, अजूर डेटा ब्रिक्स या कोई भी या डेटा ब्रिक्स नोटबुक के साथ कैसे हम करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम इसी पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिकली क्या है, मतलब कि मैं जो पाइथन जो प्ले लिस्ट में क्रिएट कर रहा हूँ, इसको मैं आगे के जो भी मैं वीडियो या डेमो जो भी मैं मतलब करूँगा मैं, वो सब मैं मतलब कि डेटा ब्रिक्स नोटबुक पर ही करूँगा मैं, क्योंकि सेम इसको हम क्या कर सकते हैं कि आपके लोकल मशीन पर पाइथन इंस्टॉल करके आप कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड के साथ कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है विजुअल स्टूडियो कोड के साथ कैसे हम डेवलपमेंट करते हैं, कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, सेम उसके साथ कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर अजूर डेटा ब्रिक्स को यूज़ करूँगा, नोटबुक को यूज़ करूँगा, उसी में सभी मतलब डेवलपमेंट या कोड में करूँगा, क्योंकि मैं जो पाइथन के प्ले लिस्ट बना रहा हूँ डेडिकेटली मैं डेटा ब्रिक्स नोटबुक के लिए ये बना रहा हूँ मैं एक पाइथन प्ले लिस्ट। इसमें दोनों सेम ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, बट मैं जो भी मेरा डेवलपमेंट होगा, जो भी मेरा डेमो होगा पाइथन का, सब हमारा मतलब कि डेटा ब्रिक्स नोटबुक डेडिकेटली होगा। ठीक है, मैं इसी पे आज में मतलब डेडिकेटली मैं स्टार्ट करूँगा मैं तो मैं इस चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले मैं तो कैसे हम मतलब कि पाइथन जो है हम डेटा ब्रिक्स नोटबुक पर स्टार्ट करेंगे, कैसे हम वर्क करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे हम देखेंगे कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। डेटाब्रिक्स नोटबुक का डेटाब्रिक्स हमारे पास एक कम्युनिटी एडिशन है जो आपको लिए फ्री होता है, आपके लर्निंग के लिए फ्री होता है, आप कुछ इसमें सीख सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं, इसके लिए आपको कोई भी कॉस्ट पे करने की जरूरत नहीं होती है। इसमें आपको कैसे मतलब रजिस्टर करना है, कैसे आपको मतलब कि अकाउंट क्रिएट करना है, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है डेटाब्रिक्स प्लेलिस्ट में, एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि हम कैसे डेटाब्रिक्स कम्युनिटी एडिशन में जाकर हम अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अभी जो प्ले लिस्ट है उसको मैं मतलब कि लिंक में शेयर कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा वीडियो को। सबसे पहले उसको आप देख लीजिएगा, देखने के बाद आप कैसे मतलब क्रिएट करते हैं कम्युनिटी एडिशन, आप एक कम्युनिटी एडिशन आप क्रिएट कर लीजिएगा आप प्रैक्टिस के लिए, लर्निंग के लिए। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, हम क्या करते हैं, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं इसे लॉग इन करता हूँ, यहाँ पर जैसे लॉग इन करूँगा मैं, लॉग इन करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक डेटा ब्रिक्स का एक इन्वायरमेंट हमें मिल जाएगा। इस इन्वायरमेंट के अंदर हम जो है डेटा ब्रिक्स के अंदर कोई भी पाइथन डेवलपमेंट कोड हम इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसके अंदर कोई नोटबुक नहीं है, कुछ भी नोटबुक नहीं यहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लस्टर क्रिएट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे हम। तो अगर मैं आपको ये जानना है क्लस्टर कैसे क्रिएट करते हैं, क्लस्टर मतलब क्या होता है, एक कंप्यूट पावर होता है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में मतलब कि यहाँ पर डेटा ब्रिक्स के प्ले लिस्ट में ऑलरेडी हमने बताया है कि क्लस्टर क्या होता है। ठीक है, तो आप इसको जाकर उसको देख सकते हैं इसको। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, मतलब कि मैं एक क्लस्टर क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, मैं लिख दिया डेमो क्लस्टर। ओके, मैंने क्लस्टर क्रिएट कर दिया यहाँ पर। अब क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर कैसे क्रिएट करते हैं, मैं इन सब का मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मतलब कि पाइथन का कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मतलब आप जो है एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, मतलब कि सॉरी पाइथन का नहीं, मैं डेटाबेस का बेसिक चीज़ें हैं, क्लस्टर क्या होता है, नोटबुक क्या होता है, इन सबको मैंने सेपरेट वीडियो मैंने क्रिएट किया हूँ, तो इन सबको मैं ऑलरेडी मैं शेयर कर दूँगा आपको, इस मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मतलब कि अब हमारे जो जब तक हमारा एक क्रिएट हो रहा है, हमारा क्लस्टर चलते हैं, हम एक नया मतलब कि क्रिएट करते हैं, एक नोटबुक क्रिएट करते हैं, हम यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे वीडियो के अंदर, इसके अंदर ठीक है एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, इस फोल्डर का नाम देते हैं पाइथन। ठीक है, पाइथन डेमो नाम दे दिया हमने। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है, हम जाएंगे हम पाइथन डेमो देखेंगे, आपको मिल जाएगा यहाँ पर एक पाइथन डेमो। ठीक है, चाहे यहाँ पर कर लें या हम मतलब कि यहाँ पर जाके डायरेक्टली हम इसके अंदर भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी हम कर सकते हैं क्रिएट, नहीं सॉरी यहाँ पर जाएंगे हम, यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, नाम दे दें पाइथन डेमो, नाम दे दिया हमने। ओके, ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके अंदर भी हम मतलब कर सकते हैं और यूजर के अंदर भी कर सकते हैं। तो मैं एक काम करूँगा, मेरा जो प्रीफर होगा, मैं इसके यूजर के अंदर ही करूँगा। मैं इस पाइथन के डेमो के अंदर जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद आपको एक नोटबुक क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, अब इसका नाम दीजिए, नोटबुक का नाम दीजिए माई फर्स्ट पाइथन डेमो, तो ऐसे नाम दे दीजिए। ठीक है, अभी जो क्लस्टर देखिए, मैं क्लस्टर देखिए स्टार्ट हो गया यहाँ पर।
हमने क्रिएट कर लिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए लैंग्वेज जो है बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पर पाथन सेलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पर पाथन लैंग्वेज आएगा, ठीक है। तो पाथन है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि कोई भी पाथन का कोड, जो भी कोड हम वहाँ पर लिखते थे, सभी कोड को ये देखिए कमांड है, ठीक है। यहाँ पर आप मल्टीपल कमांड देखिए यहाँ पर सेलेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जितने कमांड चाहे उतने सेल आप क्रिएट कर सकते हैं, सभी सेल के अंदर जो भी चाहे आप यहाँ पर डेवलपमेंट कर सकते हैं। हम अपकमिंग वीडियो में आप बताएंगे कैसे हम मतलब कि यहाँ पर क्लास क्रिएट करते हैं, कैसे हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। सभी चीज़ें हम वन बाई हम बताएंगे, आज के वीडियो में मैं बता रहा हूँ कैसे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर देना है आपको प्रिंट, ठीक है, प्रिंट देना है तो यहाँ पर आप कुछ भी दे दीजिए, जैसे मतलब दे दीजिए वेलकम इन डेटा ब्रिक्स नोटबुक, ठीक है। हमने कुछ मैसेज दे दिया, इसको जब मतलब कि इसको रन करने के लिए आप यहाँ पर जाकर देख लीजिए, यहाँ रन कर सकते हैं, रन सेल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जब रन करेंगे जितने सेल हैं सभी सेल रन होंगे, या आप मतलब कि कंट्रोल इंटर प्रेस कर देंगे तभी रन हो जाएगा। दोनों देखिए यहाँ पर आ रहा है वेलकम आ रहा है। तो अब इसके अंदर जाके जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है, आप इसके अंदर मतलब कि जो आपकी इच्छा हो सभी मतलब यहाँ पर जाके आप मतलब जो भी डेवलपमेंट चाहते हैं सभी डेवलपमेंट देखिए यहाँ पर कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब इसके अंदर जाते हैं, अब यहाँ पर जाइए, ए इक्वल टू 10 कर दिया आपने, बी इक्वल टू आपने 20 कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट कर देंगे ए प्लस बी, ठीक है। जब इसको रन करेंगे तो ए आपका आंसर जो है 30 देगा। तो आप पाइथन के जो भी कोड है, जो भी मतलब सभी कोड को यहाँ पर आसानी से ले सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई आपको परेशानी कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। सेम जैसे आप मतलब कि पाइथन के मतलब कि विजुअल स्टूडियो कोड साथ कर सकते थे, सेम ऐसे यहाँ पर मतलब कि डेटाबेस के अंदर भी कर सकते हैं। तो हमारा मेन फोकस इसलिए यहाँ पर है क्योंकि मैं मतलब जो भी कोड बनाऊंगा, जो भी मतलब कि मैं पाइथन यूज करूंगा डेडिकेटली, मैं डेटाबेस के लिए डेटाबेस के भी लिए होगा, इसलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, आई होप कि मतलब ये समय में आगे को कैसे हम इसका यूज़ करते हैं, डेवलपमेंट कैसे नोटबुक कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे मतलब हम उसके अंदर डेवलपमेंट करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।